नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़ चैनल। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो काम हो जाना था बहुत पहले वो हुआ है आज, और आज है मीडिया के लिए काला दिन। काला दिन इसलिए है क्योंकि बहुत सारी पार्टियों ने बहिष्कार कर दिया है गोदी मीडिया का। अब गोदी मीडिया का बहिष्कार कैसे करा है, उन्होंने अपने जितने भी वक्ता हैं उन सबको डिबेट के अंदर भेजना या उनके अपना कोई भी स्टेटमेंट नहीं देगा कोई भी पार्टी। उसमें सबसे पहली पार्टी बीएसपी है, सपा है और कांग्रेस है। इन तीनों ही बड़ी पार्टी नेशनल पार्टियों ने पूरा बहिष्कार कर दिया है गोदी मीडिया का, जो अब किसी भी डिबेट के अंदर नहीं जाएंगे। और क्यों जाए, आखिर का क्या दिया है हमें गोदी मीडिया ने? गोदी मीडिया दिखाता रहा, किसान पिटते रहे, लेकिन उसने कभी किसानों की बात नहीं की। लोगों को रोजगार नहीं मिला, उसने कभी बात नहीं कही। नोटबंदी पे कितने लोग मरे, उसकी मीडिया ने कभी भी उसकी बात नहीं कही। जीएसटी से कितना नुकसान बिजनेसमैन को हुआ, उसकी बात कभी मीडिया ने नहीं कही। पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, कभी मीडिया ने बात नहीं की। गौ हत्या के ऊपर किसी को भी अपनी गाय भी ले जा रहा है तो भी उसको मार दिया जाता है, मीडिया ने कभी बात नहीं की। डॉलर के मुकाबले रुपया का कितना कम हो गया, कभी मीडिया ने उसकी बात नहीं की। इसीलिए सभी ने इसका बहिष्कार करा है। जब जब इस देश के अंदर सत्यता दिखानी होती है तब तब मीडिया ने अपना बड़ी ईमानदारी से काम करा। उन्होंने करा पुलवामा के ऊपर, शहीदों के ऊपर बहुत सारी चीजें पे दिखाया। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को बड़ी ईमानदारी से दिखाया। उन्होंने मोदी सभाओं को बड़ी ईमानदारी से दिखाया और जितना बढ़ चढ़कर दिखाना चाहते थे उससे कई गुना ज्यादा बढ़ चढ़कर दिखाया। पाकिस्तान के ऊपर जितने भी वाद विवाद हुए उनको उन्होंने बढ़ चढ़कर दिखाया, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाना था। गोदी मीडिया को दिखाया, जुमलों को बढ़ चढ़कर दिखाया। गोदी मीडिया ने पूरा का पूरा प्रोपेगंडा ऐसा तैयार कर दिया कि वहां पे विपक्ष के नेता आते थे तो मीडिया के जो एंकर हुआ करते थे वो उन्हें डांट डपट के भी बैठा दिया करते थे। ये अधिकार किसने दे दिया आपको कि आप एक लोकतंत्र के अंदर भी मीडिया पे अगर कोई अपनी बात कह रहा है तो भी आप उसे डांट कर धमका कर उसे बैठा दें? यहां तक कि कई बार डिबेट्स के अंदर आप लोगों ने लड़ाइयां भी देखी होंगी, वो पूरा का पूरा एक स्ट्रेटेजी के तहत हुआ करता था। सारा जो विजन हुआ करता था वो स्ट्रेटेजी के तहत हुआ करता था। अब जब कांग्रेस, एसपी, बीएसपी सभी जमीन पर आ गई है तब उनको याद आया कि अब हमें मीडिया का बहिष्कार कर देना चाहिए। जबकि ये काम आज से 4 साल पहले होता तो कहीं अच्छी पकड़ और कहीं अच्छी लोकसभा के अंदर सीटें भी उनको मिल पाती। लेकिन जब नेताओं की इतनी पिटाई होने लगी, जब मनमानी तरीके से गोदी मीडिया दिखाने लगा, तब आपने करा है उसका बहिष्कार। अभी भी समय है गोदी मीडिया को अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए, नहीं तो जनता जनार्दन भी बिल्कुल इनको खारिज कर देगी और टीवी तक देखना, अखबार लेना तक बंद कर देगी, क्योंकि उनके मतलब की कोई भी खबर नहीं आएगी। देश के अंदर क्या चल रहा है कभी भी गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया है। गोदी मीडिया ने अपनी भक्ति बहुत अच्छे से दिखाई है और उन्होंने न्यूजों को सबको तोड़ मरोड़ कर पेश करा है, और जो उन्हें दिखाना चाहिए था बिल्कुल ईमानदारी से वो उन्होंने नहीं दिखाया है। और ये पूरे भारत की जनता ही नहीं, देश विदेश के टीवी न्यूज चैनल्स भी जान गए हैं कि गोदी मीडिया अब किस तरीके से दिखाता है मीडिया के अंदर वो चीजों को जो चीज उन्हें नहीं दिखानी चाहिए। और वाकई में अब तो गोदी मीडिया को अपना बदलाव लाना चाहिए, नहीं तो जनता जनार्दन बिल्कुल से इनको बंद कर देगी, अपने प्रोग्राम्स पे नहीं बुलाएगी, कोई अपनी जनता भी इनको अपनी स्पीच, अपनी बात कहने से मना कर देगी, क्योंकि जब उनकी बातों को दिखाया ही नहीं जाता है तो जनता भी क्यों दे उन बातों को। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है, उनके पास एक ऑप्शन और है, विपक्ष के पास एक ऑप्शन और है, वो है सोशल मीडिया। जो सोशल मीडिया पे आज आप देख रहे हैं सभी चैनल्स बहुत तेजी से बढ़ चढ़कर आ रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे चैनल्स आपको अपनी बात कहते हैं, और हमारा एसएम न्यूज चैनल उन सभी लोगों के पास जाएगा जो विपक्ष के अंदर है, उन विपक्ष के लोगों से बात करेगा और जो कहना चाहते हैं सत्यता से उनकी बात को दिखाएगा। आपको हमारा ये वीडियो आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि लोकतंत्र की आवाज रुकनी नहीं चाहिए, हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। अगली न्यूज पे हम लोग आपसे मुलाकात करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।